Good morning, friends. Today we'll start with the problem solving for the MT. Yesterday some problems were about to solve. So first we'll start with those problems, and then we'll go for some more problems. So the flow will be that first you have to see to the empty paper. In that, integer type questions are there. So first we'll solve integer type questions, and then whatever the PDF in morning I have shared with you. So PDF contains some problems, so those problems also we will solve today. After that, as a homework, some problems I have given to you that you have to solve at home. So be aware of that. Practice makes man perfect. So don't leave any problem. Okay, each and every problem you go through. Okay, shall we start? Okay. So first, let's start with yesterday's paper 21 to 25 questions. Some students had a query. मैंने किया नहीं था वो, मतलब solve किया था लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं किया था, तो सोचा अभी चलो करते हैं उसका रिकॉर्ड पहले करते हैं. ओके, मेरे पास है अभी प्रॉब्लम, दो मिनट के लिए, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. प्रॉब्लम कहाँ गया वो, एक मिनट है बेटा. ओके, मिल गया. दूसरा भी पीडीएफ मेरे पास भी है, तो उसी पीडीएफ से मैंने लिखा भी है उस पेपर पे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ओके, तीन नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी 10^-12 कूलम पर मीटर. तो क्या दिया आपको बेटा, तीन रॉड दिए हैं, नॉन कंडक्टिंग रॉड दिए हैं. हाँ, एम्प्टी क्वेश्चन 21 इंटीजर टाइप. आज तो आराम से करेंगे, आज पूरा लेक्चर जो है बनाने वाले उसमें जो जो प्रॉब्लम सिखाएंगे, और ऐसा करने वाले हम 12th A1 A2 B1 B2 सबका सिलेबस सेम रन होना चाहिए, है ना बेटा. तो अभी तक जब उनका ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद जेई वालों का ख़त्म हो जाएगा, जेई ए वन वालों का, जेई ए टू का ख़त्म हुआ है, और नीट P1 B2 का ख़त्म हो जाएगा. ये सब का ख़त्म हो जाने के बाद में हम अगला टॉपिक चालू करेंगे, और उस टाइम तक हम पूरा रिवीजन करेंगे. तो मैं आज से टॉपिक सब टॉपिक वाइज एक एक सब टॉपिक लेके आपका रिवीजन करवाऊंगा. तो फ्रेंड्स, ये लॉकडाउन का आप यूज़ करो बेटा, ये अच्छी तरह प्रैक्टिस मिल रहा है. रियली आई एम टेलिंग दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस. So hope you will do that. Without wasting time, we will start. तो एक rod दिया है non conducting आपको. Okay, ये diagram नहीं दिया, मैं निकाल रहा हूँ फिर भी. 50 centimeter length दिया उसका. Has a positive charge of uniform linear density 10^-12 coulomb per meter. So चार्ज डेंसिटी दिया है. सो चार्ज डेंसिटी यहां के लिए सपोज पॉजिटिव चार्ज है ना, यस. तो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज ये रॉड पे आ गया, तो चार्ज डेंसिटी ये लीनियर आ जाएगा, इधर लीनियर चार्ज डेंसिटी. थोड़ा ये ध्यान में रखो IMP. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आएगा आपका. वो कितना दिया है, 10^2 कितना दिया है, -12 कूलम पर मीटर दिया है आपको. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वोल्ट ड्यू टू द रॉड एट अ पॉइंट व्हिच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 एंड. तो किसी भी यहां से या यहां से इसका एक पॉइंट दिया उन्होंने, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको निकालना है. तो
थोड़ा सा ट्रिकी टाइप है प्रॉब्लम, ट्रिकी नहीं है, ऑलरेडी आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला का डेरिवेशन हमारे पास से एक्सपेक्टेड नहीं है। मैं जो फॉर्मूला देता हूँ वो आपकी नोटबुक में आप लिखते जाओ, वो फॉर्मूला ध्यान में रखो, इंटीग्रेशन से आता है तो वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। जब हम पूरा फ्लो से चालू करेंगे तब वो प्रैक्टिस अपना अपने आप हो जाएगा। अगर किसी को वो चाहिए तो मैं वो डेरिवेशन बना के दे दूंगा, किसी भी अपने डीसी पांडे में है, नहीं तो किसी भी बुक में भी डेरिवेशन दिया है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मेरे को पूछो आप। तो ये जो दिया है, और यहाँ पे जस्ट कंसिडर द पॉइंट टू बी हियर, ये डिस्टेंस है ओके, और यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है ओके। यहाँ पे एक्चुअली गॉस थ्योरम वगैरह अप्लाई करते हैं, गॉस थ्योरम है ना आपका, फाई टोटल इज इक्वल टू हाँ ई डॉट डी ए, सो दैट वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, वो सब आपको इधर यूज करते हैं, एंड आफ्टर यूजिंग दैट वी आर गेटिंग द आंसर। सो आई विल गिव यू द डायरेक्टली फॉर्मूला, मैंने वो नोट करके लिया है। फॉर्मूला आता है आपका पोटेंशियल का, ले लो लिख लो फॉर्मूला, ये वी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एल एन, ये स्पेशल केस है हाँ। वैसे तो ये फॉर्मूला आता है मेरे ख्याल से एल अपॉन डी, एल अपॉन डी में आता है, लेकिन एज अ स्पेशल केस तो ये इसको क्या बोलो, इसको बोलो जनरल केस, जनरल केस ये लिख के लो, जनरल केस। जनरल केस कहाँ पे पूछेंगे आपको, वो जनरल केस पूछेंगे एट इक्वेटर और नॉट एट ऑन इक्वेटर। तो अगर मैंने रॉड को ऐसे लिया और अगर इसका इक्वेटर है तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे अगर आपको दिया है तो ये तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ऐसा ऐसा कहीं पे भी आपको पूछा तो उसके लिए ये फॉर्मूला है ओके। एंड स्पेशल केस एट वन एंड, तो एट वन एंड अगर आपको चाहिए तो ले लो फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज वी इज, ये सब सेम आता है, लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एल एन। अब ये एल की जगह अपना डेरिवेशन वो इंटीग्रेशन वगैरह करके आता है, एल प्लस एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेस्ट टू 1/2 डिवाइडेड बाय डी, ये तो डी तो सेम आता है, डी तो सेम आता है और ये फॉर्मूला आता है। और आपका आंसर ये सब करने के बाद आंसर में निकल, 1 2 3 4 स्टेप एडी लैम्बडा, आंसर आता है 0.04, आंसर आएगा आपका 0.04। तो इसको बेटा ये दोनों फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, वी वी आई एम पी लिखो इसको, आई एम पी है ये, आई एम पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी तो एग्जाम में आया था अभी मेजर टेस्ट में, इसका मतलब इसका कुछ मीनिंग होगा बेटा। एक प्रोसेस होती है कि आपकी जो एग्जाम्स वगैरह होती है रेगुलर, तो एग्जाम्स के लिए जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो ऐसे सेट करते हैं हर एक क्वेश्चन, सच दैट यू विल गेट द गुड आइडिया एंड फॉर द फाइनल एग्जाम यू विल हैव द बेनिफिट ऑफ दोज क्वेश्चंस। सो प्लीज नोट डाउन दिस, आंसर विल बी दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सो यूनिट ऑफ दैट यू पुट ओवर देयर ओके फाइन, विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर नहीं किया है तो नोट डाउन कीजिए ओके। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, मैं आगे निकलता हूँ। सो वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा सा अभी हीट है ना तो एकदम सोखता है सब बोर्ड,
थोड़ा सा पानी वगैरह लगे कि करना पड़ता है, सो थोड़ा सा एडजस्ट करो, उसमें थोड़ा टाइम जाता है, उसके भी ऊपर कुछ आइडिया निकालेंगे। प्रॉब्लम नंबर 22, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज 9 जूल। यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है सपोज प्लस क्यू, और यहाँ पे कौन सा भी एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसको टुवर्ड्स दिस लाने के लिए वर्क डन कितना दिया है, 9 जूल। ये क्वेश्चन नंबर MT क्वेश्चन 22 इंटीजर टाइप 9 जूल दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज हैज बीन डिक्रीज बाय हाफ, ऐसा करने से क्या हुआ, ये पहले इधर था, इसको इनिशियल बोलते हैं, यहां से इसको यहां पे उठाया मैंने, इसको फाइनल बोल देते हैं। तो अगर ये पहले आपका डिस्टेंस आर है तो अब ये कितना बन रहा है, बोल रहे ये डिस्टेंस बन रहा है R/2। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। तो अभी ये जो R/2 होता है ना, R/2 दिया है ना, रिजल्ट डिस्टेंस बिटवीन द डिक्रीज बाय हाफ, वर्क डन इन जूल बाय, तो इसके भी हाफ को कितना वर्क डन हो जाएगा, ये पूछे हम। ओके, अभी क्या होता है, वर्क डन मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मुलेशन रहता है, बराबर। तो वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के, तो इधर से इधर आया और आगे से इधर आया, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी लेना पड़ेगा 3 में। ओके, 3 पार्ट में आप पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हो, एक पहला इन्फिनिटी टू दैट, देन हियर टू हियर, बाद में उसके आगे। ओके, 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ओके, सो इसका आंसर होता है, मैं करके देता हूँ आपको। इसमें मैंने किया है, आप क्या करो मैं बता दे जाता हूँ आपको, आप भी अपने नोटबुक में सॉल्व करो उसको, क्योंकि मैं इधर दिखाने से नहीं होगा, आपके हाथ से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो आप पहले निकालो U1 निकालो, और इसको Q1 बोलो, इसको Q2 बोलो। तो पहला R है, तो जहाँ पे मैंने ये 1 निकाला है, इधर आप लिखो U1। U1 कितना आएगा, बिकॉज एनर्जी स्टोर्ड ना, वर्क डन एंड एनर्जी स्टोर्ड आर सेम, तो के Q1 Q2 अपॉन R आएगा। ओके, इधर तो कुछ ऑप्शन दिया नहीं है, अपने को वो डायरेक्ट करना है ना, जिसका आंसर मैंने निकाला है, आंसर आपको दिया भी होगा ना, आंसर एक बार चेक करता हूँ कितना है। ठीक है, पहले आप पूरा करते हैं, इसमें जाने से अच्छा है। और U2, ओके, अभी U2 में, U2 में क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कम हुआ, अभी R/2 डालेंगे U2 के, इसको बोलता हूँ R1 के Q1 Q2 अपॉन R2। तो अभी इसमें से ये वाला है Q1, इसको बोलो फिक्स चार्ज, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल Q, नहीं तो डायरेक्टली Q बोला तो चलता है, और Q2 को -Q बोलते हैं, बिकॉज निगेटिव चार्ज बोले, ये +Q और ये -Q, इसकी जगह भी आप क्या करो, ये इसको +Q बोलते हैं, इसको -Q बोलते हैं। ओके, सो इसको बोलता हूँ +Q, इसको बोलता हूँ -Q, मतलब आपका इसमें, और R1 जो है उसकी जगह पहले क्या था डिस्टेंस अपना R था, तो उसको R बोलो, और R2 की जगह अभी निकालो R/2, हाफ दिया है उसको, ये नोट डाउन करो। ओके, और 1 2 3, अभी U1 - U2 करो, U1 - U2 करो, और बाद में U3 करो,
यू3 कैसे है, इधर ही दिखाता हूँ। यू3 में आपका वो सब सेम हो जाएगा, खाली ये आर बाई टू है ना, तो ये आर बाई टू है तो ये आर बाई टू हो जाएगा। तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये आर है आपका, उसका हाफ किया तो ये आर बाई टू बन गया, और ये आर बाई टू का भी हाफ किया तो ये आर बाई फोर बन गया। तो ये अभी आर बाई फोर प्लस आर बाई टू, टू टू ज़ा फोर, सो टू प्लस वन थ्री, थ्री आर बाय फोर मेरा आ रहा है, थ्री आर बाय फोर इधर कितना आ रहा है, यस ओके। सो मेरा ये आर है, ये किसके लिए यूज़ करने का, अभी यू3 के लिए यूज़ करने का। तो यू3 के लिए कैसे यूज़ करेंगे ये समझे ना आपको, ओके। यू3 के लिए कैसे करेंगे, यू3 डायरेक्टली लिखता हूँ अभी, के क्यू माइनस क्यू, माइनस साइन का इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम अभी ये डिफरेंस लेने वाले हैं, u1 माइनस u2 एंड u1 माइनस u3। r3 मतलब अभी कितना हो जाएगा, अभी निकाला था हमने 3r/4। तो अभी हम लिख के लेते हैं क्या क्या बन जाएगा। अपना u1 बन गया k q माइनस q अपॉन r, u2 बन गया k q माइनस q अपॉन r/2। इसका मतलब इसको डायरेक्टली लिखते हैं, 2 को ऊपर दिया, 2 k क्यूब माइनस q अपॉन r, और u3 को कैसे बनाएंगे, ये 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे रह जाएगा, सो 4 k क्यूब माइनस q अपॉन 3 r बन गया, 3 बन गया आपका। अभी इसमें से डिफरेंस ले लो, क्योंकि उन्होंने पूछा क्या है, देखो पूछा है ये कि फाइंड द वर्क डन, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। तो ये जो मैंने 3 में दिया है वो आपको निकालना है। एक तो आपको दिया है 9 जूल, तो उसको इक्वेट कर सकते हैं, आई थिंक एक आपको 9 जूल दिया है, मतलब u1 माइनस u2 आपको दिया है, कौन सा u1 माइनस u2, वो कितना दिया है 9 जूल दिया है, और u3 आपको निकालना है। तो इधर स्पेस बहुत ये होता है, इसलिए मैंने किया है वो डायरेक्टली आपको इधर लिख के दे दूंगा, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो, मैं भी थोड़ा सीख लूंगा कैसे स्पेस मैनेज करें, छोटा है ना, मेरे को आदत है बड़े बोर्ड पे लिखने की। तो ये करके लो आप, u1 माइनस u2 उसको 9 से इक्वेट करो, बाद में u1 माइनस u3 करो, और उसमें से आपको ये मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा, और आंसर मिलने के बाद उसमें डालो, तो वर्क डन आपको निकालना है, ओके। तो u1 माइनस u2, वर्क एनर्जी तेरा मालूम है ना आपको, डेल्टा चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, उसमें करना है। तो पहला वर्क डन इज गिवन 9 जूल इज इक्वल टू u1 माइनस u2, तो 9 इज इक्वल टू इसमें से KQ अपॉन R, एंड ये क्यू भी निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो KQQ अपॉन R को बाहर निकाला मैंने, इधर क्या बचा है -1/R, इधर -2/R, सॉरी R को बाहर निकाला है ना, सॉरी वेरी सॉरी, -1 -2, और ये माइनस है ना, मतलब ये प्लस हो जाएगा, समझ गए ना आप, क्योंकि दिस माइनस दिस, ये ऑलरेडी माइनस है दोनों, तो ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, इसको 9 से इक्वेट किया। नाउ w एक्सपेक्टेड विल बी u1 - u3, अभी 1 से इधर नहीं, पूरा इधर कितना आ रहा है वो देखो, कितना आ रहा है आप u1 माइनस u3, तो वो भी करके लो, KQQ अपॉन r, और इसको 4 है ना, ओके 4/3, तो 1 - 1 - 4/3, मतलब -1 + 4/3, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका 1 - 1 + 2, मतलब इसका आएगा 1, और -1 + 4/3
माइनस थ्री प्लस फोर, सो इट इज प्लस वन, वन बाय थ्री। अभी ये करने के बाद आपका आंसर देखो, मेरे पास आंसर है उसका, मैं बता देता हूँ। आंसर विल बी, वन मिनट, आंसर विल कम, मैंने इधर निकाला नहीं है बोरा, खाली फॉर्मुलेशन किया है। आंसर आंसर की आपको दिया होगा सर ने, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, मेरे पास है आंसर उसका। हाँ आंसर आता है 3 जूल। ओके आंसर आएगा आपका 3 जूल। ओके करके देख लो, नहीं आता है तो मेरे को पूछ लो। ओके नाउ लेट्स गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 23। प्रॉब्लम नंबर 23 क्या दिया बेटा आपको, दो मिनट। प्रॉब्लम नंबर 23 में दिया है कुछ, लगता है कैपेसिटर वगैरह कुछ तो है, प्रॉब्लम पढ़ा था वो। ओके टू मेटल स्पीयर्स ऑफ रेडियस 0.01 मीटर एंड 0.02 मीटर आर गिवन ए चार्ज of 15 milliculomb and 45 milliculomb respectively, they are then connected by the wire. एकदम सिंपल है, कनेक्टेड बाय वायर मीन मतलब आपको निकालना है कॉमन पोटेंशियल। तो ये प्रॉब्लम है कॉमन पोटेंशियल का, ये तो समझ गया। फाइनल चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर इज गिवन बाय x into 10^-3, तो x का वैल्यू निकालना है, एकदम सिंपल है। तो एक स्पीयर है 0.01 का, दूसरा थोड़ा बड़ा निकालता हूं क्योंकि वो 0.02 का है, उनको वायर से कनेक्ट किया, कैसे भी करो डायरेक्टली किया तो भी चलता है, ऐसा वायर से कनेक्ट किया। ओके तो अभी उसको ये कितना दिया, चार्ज कितना दिया, इसके ऊपर 15 मिलीकूलम है और इसके ऊपर कितना दिया उन्होंने, 45 मिलीकूलम। ओके दे आर कनेक्टेड बाय द वायर, द फाइनल चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर इज दे आर गिवन। ओके ये फाइनल चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर, तो मैंने इनिशियली इसके ऊपर दिस चार्ज है, इसके ऊपर इतना चार्ज है। ओके तो ये स्फीयर दिया है, इसको पकड़ते हैं आर वन, कुछ तो गड़बड़ होगा, इसको पकड़ते हैं आर टू। ओके वेट फॉर अ वाइल, कुछ तो उसमें अटक गया होगा, इसको पकड़ते हैं आर वन, इसको पकड़ते हैं आर टू। ओके सो व्हेन दे विल बी कनेक्टेड, when they will be connected you will use common potential, और आपको क्या पूछा है, इसके ऊपर दिया है x into 10^2 कितना दिया, माइनस थ्री ना, x into 10^2 माइनस थ्री, तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए बोला है एंड फाइंड x पूछा। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट बता देता हूँ, यूज द कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कैसे बन जाएगा, इनको फर्स्ट स्टेप पैरेलल में कंसिडर करो, पैरेलल ये फॉर्मूला क्या यूज करना है, C इज इक्वल टू 4πε₀r, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, इसका R1 इसका R2, तो कितना बन जाएगा
C1 4 pi epsilon naught R1, C2 4 pi epsilon naught R2, बन गया। ये बनने के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में C इक्विवेलेंट कितना आता है, C1 प्लस C2, V विल बी कांस्टेंट एंड Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 कितना आएगा, Q1 विल बी C1 P1 और Q2 कितना आएगा, C2 V2। तो V कितना आएगा, Q टोटल अपॉन C इक्विवेलेंट। Q टोटल में आप लिख सकते हो Q1 प्लस Q2, C इक्विवेलेंट लिख सकते हो C1 प्लस C2। मेरे को दो तीन स्टूडेंट का कॉल आया था अभी बीच में, टोकता नहीं हुआ आपको, वो बोलते हैं क्लिक नहीं होता है सर, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, बाद में एक बार आप बताते हो तो समझते हैं हम करते हैं। ये प्रॉब्लम हर एक के साथ होता है, हर एक बंदे के साथ होता है। जस्ट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट, यू डू द प्रैक्टिस। मेरे को भी कभी कभी नहीं क्लिक होता है, आई एम ऑनेस्ट, समटाइम्स आई ऑल्सो जंबल, सो आई जस्ट रीड इट ट्वाइस थ्राइस, आई टेक द पेपर एंड स्टार्ट, आई गेट दैट, नो प्रॉब्लम। सो यू ऑल्सो डू लाइक दैट, डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी Q1 का सब इधर फॉर्मुलेशन करने का, C1 V1 प्लस C2 V2, लेकिन C1 V1 करने का जरूरत नहीं है, आपको चार्ज दिया है उन्होंने, चार्ज दिया है ना उन्होंने, मिलीकूलम दिया है ना, 15 मिलीकूलम पहले वाला, प्लस इसका कितना है 45, और इसका सीक्वेंट। तो सीक्वेंट निकालने के लिए आपको वो फॉर्मूला रखना पड़ेगा उधर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकलता हूँ R1 प्लस R2, सो 0.01 प्लस 0.02, तो ये कितना हो जाएगा 60 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0.03। तो ये पोटेंशियल मिल गया। अब ये Q1, ओके एक मिनट, हाँ बराबर है, टोटल चार्ज उतना ही हो जाएगा, हाँ उनका एडिशन हो जाएगा, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये क्या है, ये जो Q1 Q2 लिया है मैंने, ये इधर का नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नहीं है, दोनों का मिला के कितना चार्ज था, 15 और 45, वो चार्ज मैंने क्यू टोटल लिया है। अभी एक बार जो पैरेलल में जाएंगे वो, तो कैसे लिखेंगे उनको, ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर ना, अभी जो Q1 वो Q2 बन जाएगा, वो Q1 डैश बनेगा और ये Q2 डैश बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द गिवन दिस ऑल कॉम्बिनेशन एंड ऑल। अभी उसका चार्ज ये प्रपोर्शन में आ जाएगा, तो वो Q1 आपको उन्होंने दिया है x(10^-3), नहीं तो बोल सकते ये इतना है, तो इसको करने का ज़रूरत क्या है सर, तो वही है, तो वो Q1 डैश अभी मैं निकालता हूँ। V मिल गया मुझे, V तो कांस्टेंट रहेगा, इसको भी V ही रहेगा, इसको भी V ही रहेगा, इस पर Q1 डैश Q2 डैश, तो Q1 डैश विल बी C1 इंटू V, तो V इससे निकाला आपने ये C1, ओके C1 कैसे निकालोगे, C1 विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेट फॉर अ व्हाइल, ओके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का मतलब कितना 0.01 इंटू V का ये सब वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाएगा 0.03, तो इसका आंसर मैंने निकाला है 2×10^-3 आता है, देखो जरा ये 1 ना, ये 1/3 हो जाएगा, तो किधर तो गड़बड़ है, ये मीटर में दिया है आपको, एक मिनट, ये मीटर में दिया होगा, तो ओके हाँ ये मिलीकूलम है ना, ये 60 ना, ये मिलीकूलम है ना, ओके तो मेरे को ये मिलीकूलम का कूलम में करना पड़ेगा, -3 हो जाएगा, बराबर हो गया, ये 1/3 हो गया, 3×2 = 6, 20×10^-3, फिर भी कुछ तो गड़बड़ है, तो ये कुछ एक पॉइंट का गड़बड़ है, वो पॉइंट का देखो आप, मेरे कुछ इधर ऐसा नहीं लग रहा है, तो आंसर अपना कितना आ रहा है,
कितना बोला था मैंने, 2 × 10^2 − 3, तो देखो आप आ जाएगा। ये खाली ये चेक करो, देखता हूँ मैं, 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम दे दो मुझे। क्यों वन दे 18 मिलियन, ये 45 है, ये क्या है 60 × 10^-3 मिली बराबर है 0.01, तो 1/3 है 23 है। चेक आंसर −2 या −3 है, मेरे ख्याल से −2 होना चाहिए। एक्स आपका इंटीजर 2 आ रहा है या 20 आ रहा है मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन मैं सॉल्यूशन का उसका आंसर देखता हूँ। 1 मिनट कितना आ रहा है देखता हूँ। करेक्ट, 20 इज करेक्ट आंसर, 20 इज द करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम। वो थोड़ा जल्दबाजी में उधर मैंने 20 के अगर 2 लिखा था, बराबर है। ओके ये करो, बाद में भी 24 को लग जाते हैं। चलो चलो फटाफट करो 24 में प्रॉब्लम, तब तक प्रॉब्लम रीड कर देता हूँ, ये बेहतर चलेगा। ओके सॉरी, इधर थोड़ा जगह कम है तो इधर उधर जाने में प्रॉब्लम आता है। ओके 24 क्या है आपका, 24 दिया है, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट्स 20 cm × 20 cm, तो एरिया दिया है, एरिया का स्पेसिफिकेशन दिया है, एंड सेपरेटेड बाय 2 mm, सेपरेशन दिया है 2 mm का। द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द प्लेट इज 5, द प्लेट्स आर कनेक्टेड इन कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 500 वोल्ट, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी क्लोज टू, एनर्जी डेंसिटी निकालना है, मतलब क्या निकालना होगा बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी मतलब आपका वर्क डन, वर्क डन कितना आता है 1/2 CV². ओके उतना ये कुछ प्रॉब्लमेटिक कंसर्न नहीं है, एकदम सिंपल है, आपको करना पड़ेगा। ओके तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिख के देता हूँ आपको, उसका यूज़ करो, मैंने दिया था आपको लगता है 1/2 kε₀ e² दिया था आपको। ओके तो गिवन डेटा लिखता हूँ, एरिया कितना दिया है 20 cm × 20 cm, सो 20 × 20 इंटू इसका 10^-2 × 10^-2, ये कितना होगा 400 × 10^-4 m², ये एरिया बन गया। और क्या दिया है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मटेरियल के दिया है 5 दिया है, वोल्टेज दिया है V दिया है 500 वोल्ट, और क्या दिया है आपको सेपरेटेड बाय 2 mm, D दिया है 2 mm। इसको डायरेक्टली मैं जो फॉर्मूला बताया यूज करो, 1/2 kε₀ e² ये दिया है मैंने, मेरे आई थिंक इस मई जब चालू होगा हुआ तब के लेक्चर में मैंने ये फॉर्मूला बना के दिया था एनर्जी डेंसिटी, और ये इसको प्रूफ नहीं दिया था, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है, फॉर्मूले के ऊपर मैंने प्रॉब्लम भी दिया था, तो वो करो। ओके ओके आंसर कितना आता है 1.38 J/m³। तो ये देखो फॉर्मूला करो, अभी आप पूछोगे क्या करने का है, क्या करने का मतलब ये ई स्क्वायर है ना बेटा, एक मिनट। ओके ये ई स्क्वायर है ना, इसकी जगह ई इज इक्वल टू वी बाई डी ना, ये आपको मालूम है माइनस डी वी बाई डी आर, तो वी बाय उसको ये बोलते हैं, तो ई की जगह वी बाई डी डालने का, तो ये कैसे होगा फटाफट बता दो, एप्सिलॉन नॉट सो वी स्क्वायर अपॉन
डी स्क्वेयर, अभी अभी के जगह आप लिख सकते हो अभी जो है, वी के जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं वी दिया है आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, के दिया है 5 ε₀ 8.8 × 10⁻¹² वी स्क्वेयर 500 × 500 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻³। तो ये -3, ये -12, 3 ऊपर चला गया, -9 बचेगा, ये 4.4 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 125, दिस 1 1 2 3 4, और ये -9 मतलब -5 रह गया, तो ये 1 × 4.4 × 10⁻¹⁵। ये 2 को काटा ना, नहीं ये 2 को भी काटना चाहिए, 2 से इसको काटते हैं मतलब 2.2, तो इधर लिखते हैं 2.2। ये पूरा करने के बाद इतना आंसर आता है, तो सॉल्व द प्रॉब्लम गेट द रिजल्ट। आगे वाला प्रॉब्लम भी सेम है, 25 भी आई थिंक, 25 क्या इनिशियल फाइनल क्या है, 25 का 4 × 10⁻¹⁶ आता है, ये कुछ मैं नहीं बताने वाला, 25 तो एकदम इजी है, फिर भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कोई बोलेगा सर मेरे को नहीं आता था। ओके करते हैं, ठीक है थोड़ा आपको दिक्कत आएगा, ठीक है ये पूरा करते हैं। लेट मी चेक व्हाट इज द टाइम लैप्स्ड, बिकॉज आधा घंटे में 5 प्रॉब्लम होता है, हम थोड़ा फास्ट जाएंगे अभी, वेट फॉर वाइल। ओके ये फटाफट पूरा करते हैं, अभी 40 मिनट का लेक्चर होगा, नहीं तो अपना लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा। ओके और इसको मैं थोड़ा सा लो क्वालिटी पे करूँगा, तो थोड़ा MB कम हो जाएगा, अपना टाइम बढ़ जाएगा। 60 pF कैपेसिटी चार्ज टू 200 वोल्ट सप्लाई, ये 200 वोल्ट दिया है, 60 pF दिया है। ओके इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर 300 pF कैपेसिटर, तो ये 60 pF बाद में 300 pF। ओके द डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस इज गिवन बाय, एनर्जी लॉस्ट मतलब यहाँ पे ज़्यादा होगा यू इनिशियल, यू फाइनल कम होगा, मतलब डायरेक्टली आप लिख सकते हो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कितना दिया है, x × 10⁻⁶ जूल, x × 10⁻⁶ जूल, वो निकालना है, एक्स निकालना है। देखो भाई यह है दिया हुआ, अभी इसका अभी ओके देखो, यू इनिशियल, यू का 3 फॉर्मूला है, यू का क्या फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर आता है, नहीं तो क्या लिखते हैं हाफ क्यू वी लिखते हैं, नहीं तो आप क्या लिखते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी। तो यहाँ पे वी दिया है और सी दिया है, तो हाफ सी वी स्क्वायर का अच्छा चलेगा, यहाँ पे भी वी निकाल सकते हो उसका, क्यों क्यों तो निकालना पड़ेगा, दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे यू इनिशियल, यू इनिशियल कितना बन जाएगा बेटा, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ 60 × 10⁻²× 200 × 200, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, ये 30 हो गया, 2 × 4 = 4, 4 × 3 = 12, और ये 1 2 3 4 5 × 10⁻⁷ हो गया। यू फाइनल, यू फाइनल हाफ सी इक्वेलेंट इंटू वी स्क्वायर, तो इसका कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा वो देखना पड़ेगा, इसको भी था तो कॉमन, उसका पोटेंशियल कितना था दिखा देते हैं अभी, ये था 200 वोल्ट, तो उसका चार्ज कितना निकल आएगा, इसका क्यू इज इक्वल टू सी वी, सो 60 × 10⁻²× 200, 6 × 12, 1 2 3, सो 10⁻⁹ कूलम, यही चार्ज अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q1 + Q2, मतलब Q टोटल इधर ले सकते हैं, यही ले सकते हैं 12 × 10⁻⁹, और C इक्वेलेंट कितना ले सकते हैं 60 + 30, 360 ले लो पिकोफैरड, और V कितना आएगा आपका हाफ 360 × V = Q/C। ओके तो डायरेक्टली Q/C से किया तो भी चलेगा, ऐसे नहीं वही फॉर्मूला यूज करना चाहिए, Q/C से Q²/2C से किया
तो भी चलेगा. सो यू इज इक्वल टू यू फाइनल क्यू स्क्वायर 12 × 12 × 10⁻⁹ −9 × 10⁻⁹ अपॉन 2 × 360 2 × 6 = 12 × 12 = 12 30 × 3 = 6 = 10 सो यू फाइनल ये 10 हो गया, ये −9 मतलब −10 बन गया. तो ये कितना होगा, ये पूरा कर लो थोड़ा सा खुद, किधर तो गड़बड़ है. ये 360 है ना पिको फैराडे, ये 10⁻², तो ये −12 ऊपर जाएगा, ये 12 प्लस हो जाएगा, मतलब ये 2 × 10⁻², ये और ये −9 −7 में बराबर है 2 × 10⁻⁷, ये 12 है, 12 − 2 मतलब आई थिंक 10 × 10⁻⁶. लेट मी चेक द आंसर. ओके 1 मिनट, किधर था मैंने कुछ तो छोड़ा है. ओके ओके ये चेक करो खाली ये और इसके बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए. ये कुछ तो ज़्यादा आना चाहिए, मतलब ये 10 आ रहा है ना, इस इधर कितना होना चाहिए 4 4. ये चेक करो थोड़ा, बाकी कितना 4 × 10⁻⁶, तो ये 120 करेंगे, नहीं 1.2 करेंगे और वो 2 करेंगे, तो 2 नहीं, हाँ 0.2. फिर भी कुछ तो गड़बड़ हो रही, लेकिन ये फॉर्मूला वही है. हाँ आप चेक करो थोड़ा सा, अगर नहीं आ रहे तो दे दो, मैं सॉल्व करके देता हूँ. ये कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन के लिए मैं ज़्यादा इधर करूँगा नहीं, आप करो इधर, तो हो सकता है. ओके थैंक्स अ लॉट.